यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू मेरी टू जैसे कि आपको पता ही है, है आप आप हम यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं जो क्लासेज हमने कर ली उन्हीं से टेस्ट चल रहा है चलिए अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वैन द टर्म इन्फॉर्मेशन साइंस वाज़ फर्स्ट यूज्ड क्वेश्चन क्या है हमारा वैन द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस वाज फर्स्ट यूज ऑप्शन ए 1950 ऑप्शन बी 1955 ऑप्शन सी 1959 ऑप्शन डी 1960 आपको दस सेकेंड का समय मिलेगा अपना आंसर बताने के लिए चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है अब दस सेकेंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइएगा क्वेश्चन जो हमारा है वैन द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस वाज फर्स्ट यूज पहली बार जो इंफॉर्मेशन साइंस थी वो कब यूज़ हुई थी यार पूछी गई है उसको तो इसका जो राइट right आंसर होगा क्वेश्चन में पूछा गया था वैन द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस वाज फर्स्ट यूज तो इसका राइट right आंसर होगा इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी नाइनटीन में फर्स्ट इसका नाइनटीन क्या है हमारा इसका राइट right आंसर है ऑप्शन सी हमारा राइट right आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्वेश्चन सेकेंड में क्या दिया गया है हु प्रोड्यूस द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस इंफॉर्मेशन साइंस इज द डिसिप्लिन दैट डील्स विद द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसफेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सेकंड में दिया गया हु प्रोड्यूस्ड द फॉलोइंग डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस इंफॉर्मेशन साइंस इज़ द डिसिप्लिन दैट डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए है हमारी इन साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका ऑप्शन बी रंगानंथन ऑप्शन सी इन साइक्लोपीडिया अमेरिकना ऑप्शन डी जे एच सेहरा आपको राइट आंसर बताने के लिए दस सेकेंड का समय मिलेगा अपना आंसर बताइएगा आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब दस सेकेंड आपको मिल रही है जल्दी से अपना आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड का राइट आंसर क्या होगा चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है इन साइक्लो इन साइक्लो पैडिया ब्रिटेनिका इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए क्या हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है व्हाट इज इंफॉर्मेशन साइंस एज अ डिसिप्लिन वाट इज इंफॉर्मेशन साइंस एज अ डिसिप्लिन ऑप्शन ए ए स्टडी ऑफ़ द यूज ऑफ़ इंफॉर्मेशन ऑप्शन बी ए स्टडी ऑफ सोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन सी ए स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ़ द अबो तो आपको राइट आंसर बताना है इसके लिए आपको दस सेकंड का समय मिलेगा फटाक से अपना उत्तर बताइए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब दस सेकंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइए इसका राइट right आंसर क्या है कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ इसका जो राइट right आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ इसका राइट right आंसर है ऑल ऑफ द एबोव क्या हमारा राइट right आंसर है इसमें ए स्टडी ऑफ यू द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन ए स्टडी ऑफ सोर्सेज एंड डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन ए स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स मल्टी सब्जेक्ट तीनों के तीनों के हमारे डिसिप्लिन के तो ये तीनों के तीनों हमारे आंसर है ऑल ऑफ द अबव क्या हमारा राइट right आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया हमारा इन्फॉर्मेशन साइंस इज आ डिसिप्लिन दैट यूनिवर्सिटी गेट्स क्वेश्चन दिया गया हमारा इसमें दिया गया इंफॉर्मेशन साइंस इज़ अ डिसिप्लिन दैट इन्वेस्टिगेट्स ऑप्शन ए द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन बी द फोर्स इज गवर्निंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन सी द मीन्स फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टीमल यूज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव तो आपको राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर फोर का क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है आपको दस सेकेंड का समय मिलेगा फटाफट से अपना उत्तर बताइएगा आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब दस सेकेंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइए इंफॉर्मेशन साइंस इज़ अ डिसिप्लिन दैट इन्वेस्टिगेट चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द दबो क्या हमारा राइट आंसर है इंफॉर्मेशन साइंस इज़ अ डिसिप्लिन दैट इन्वॉल्व्स द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ इंफॉर्मेशन द फोर्स गवर्निंग द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन द मीन्स फॉर प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन फॉर ऑप्टीमल यूजिस तो तीनों के तीनों क्या हमारे सही है तो ऑल ऑफ द दो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हमारा राइट right आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया ड्यू टू द इमरजेंस ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस द नेम ऑफ अमेरिकन डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूट वाज चेंज्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन क्या है हमारा ड्यू टू द इमरजेंस ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन साइंस द नेम ऑफ अमेरिकन डॉक्यूमेंटेशन इंस्टीट्यूट वाज चेंज टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन क्या हमारा है ऑप्शन ए में दिया गया अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन ऑप्शन बी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस ऑप्शन सी अमेरिकन इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ यूएसए तो आपको दस सेकेंड का समय मिलेगा जल्दी से अपना आंसर बताइएगा चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है अब दस सेकेंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस इसका राइट आंसर है अमेरिकन सोसाइटी ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस क्या हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंफॉर्मेशन साइंस इज आ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा इंफॉर्मेशन साइंस इज़ ए डैश ऑप्शन ए सिंगल सब्जेक्ट ऑप्शन बी मिक्स्ड सब्जेक्ट ऑप्शन सी डेवलप्ड सब्जेक्ट ऑप्शन डी मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन साइंस इज़ अ डैश तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है आपको दस सेकंड का समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हो गया इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इसका राइट आंसर होगा मल्टीडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट इसका राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा ए पीरियड A period predominantly centered on information activities is known as question camera. A period predominantly centered on information activities is known as option A. Information span. Option B. Information is option C information explosion. Option D. Information period. तो इसका जो राइट आंसर है आपको बताना है इसके लिए आपको दस सेकंड का समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइएगा आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इन्फॉर्मेशन इज़ इसका राइट आंसर होगा इन्फॉर्मेशन इज़ क्या हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा अब हम ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया ए सोसाइटी इन विच इंफॉर्मेशन रैदर दैन मटेरियल फ्लो कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ इट्स कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इज नोन एज क्वेश्चन क्या है हमारा ए सोसाइटी इन विच इंफॉर्मेशन रैदर दैन मैटीरियल फ्लो कॉन्स्टिट्यूट मोस्ट ऑफ इट्स कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल इज नोन एज ऑप्शन ए रिच सोसाइटी ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल सोसाइटी ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक सोसाइटी ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन सोसाइटी दस सेकेंड का आपको समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है दस सेकेंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हुआ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी इंडस्ट्रियल सोसाइटी इसका राइट आंसर होगा इंडस्ट्रियल सोसाइटी क्या हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गए ऑप्शन बी इसका राइट right आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वाट इज़ कोल्ड द सोसाइटी इन विच लार्ज स्केल यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन ऑल द एरियाज इज बींग डन बाई अ वाइड क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सोसाइटी ऑप्शन बी मॉडर्न सोसाइटी ऑप्शन सी इंफॉर्मेशन साइंस सोसाइटी ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन कल्चर दस सेकंड का आपको समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है जल्दी से अपना आंसर आपको बताना है चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हो गया इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इंफॉर्मेशन सोसाइटी हमारा राइट आंसर है इन्फॉर्मेशन सोसाइटी इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा टू विच कंट्री द क्रेडिट इज़ गिवन टू कोइन द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी ऑप्शन ए यूएसए ऑप्शन बी फ्रांस ऑप्शन सी जापान ऑप्शन डी इंडिया आपको राइट ऑप्शन चूज करना है आपको दस सेकेंड का समय मिलेगा जल्दी से अपना आंसर बताइए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जापान इसका राइट आंसर होगा जापान क्या है हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गया हमारा हु डेवलप्ड द टर्म इन्फॉर्मेशन सोसाइटी क्वेश्चन है हमारा हु डेवलप्ड द टर्म इन्फॉर्मेशन सोसाइटी ऑप्शन ए रंगनथन ऑप्शन बी बीस मैन ऑप्शन सी जे मार्टिन ऑप्शन डी जे एच सहरा आपको दस सेकेंड का समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइए हु डेवलप्ड द टर्म इंफॉर्मेशन सोसाइटी चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जे मार्टिन इसका राइट आंसर होगा जे मार्टिन क्या है हमारा राइट आंसर है तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा विच वन इज नोट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी ऑप्शन ए इन्फॉर्मेशन इज़ यूज एज एन इकोनॉमिक रिसोर्स ऑप्शन बी इट इज़ पॉसिबल टू आइडेंटिफाई ग्रेटर यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एमोंग सोसाइटी ऑप्शन सी इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर ऑप्शन डी द डेवलपमेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन सेक्टर विद इन द इकोनॉमी आपको राइट right आंसर बताना है आपको दस सेकेंड का समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सी इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इट इज़ स्प्रेड ऑल ओवर क्या हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा हु इज़ प्रोपाउंडर ऑफ द टर्म इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र ऑप्शन ए रंगानंथन ऑप्शन बी जे मार्टिन ऑप्शन सी बीसमैन ऑप्शन डी कैलविन मोरिस तो आपको दस सेकंड का समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइएगा आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है दस सेकंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइए हु इज़ द प्रोपोंडल ऑफ द टर्म इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मैन इसका राइट आंसर होगा बीसमैन क्या इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए एक्सटेंशन ऑफ information ऑप्शन बी कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन सी डैशिमिनेशन ऑफ information ऑप्शन डी कम्युनिकेशन ऑफ information फॉर द नीड ऑफ द यूज़र दस सेकेंड का आपको समय मिलेगा आंसर बताने के लिए चलिए आपको जो टाइम है वो स्टार्ट हुआ जल्दी से अपना आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा आंसर होगा राइट ऑप्शन सुनिए राइट right ऑप्शन आपको चुनना था कोई आपका जो टाइम है वो ख़त्म हो गया क्वेश्चन है इसका जो राइट right आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी क्या है हमारा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नीड ऑफ़ द यूजर इसका राइट right आंसर होगा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द नीड ऑफ द यूजर हमारा राइट right आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रिएटर टू यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ कॉल्ड द सर्कल ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्रिएटर टू यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए साइकल ऑप्शन बी इन्फॉर्मेशन साइकिल ऑप्शन सी एक्सचेंज साइकिल ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल तो आपको राइट right ऑप्शन चुनना है चलिए आपका जो टाइम होता है स्टार्ट होता है दस सेकेंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल हमारा राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र साइकिल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकल ऑप्शन ए द साइकिल रिलेट्स टू दैट यूनिट्स ऑफ नॉलेज ऑप्शन बी फ्रॉम वेयर द इंफॉर्मेशन इज जनरेटेड ऑप्शन सी एंड देन ट्रांसमिटेड टू द यूजर्स ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो आपको दस सेकंड का समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइए आपका जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है दस सेकेंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइए वाट इज़ द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसफर साइकिल चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ दैबोव इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दैबो क्या हमारा राइट आंसर है द साइकिल रिलेट्स

जनरेशन एंड कलेक्शन ऑप्शन बी स्टोरेज एंड डमेशन ऑप्शन सी रिट्राइवल एंड द यूज़ ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो दस सेकेंड का आपको समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइए दस सेकेंड का क्या मिला है आपको टाइम मिला है जल्दी से अपना आंसर आपको बताना है चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है दस सेकेंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त हो गया इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द दबो क्या हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा बिसाइड्स द कंप्यूटर व्हाट आर अदर मीडियम्स ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए आइडियो विजुअल्स ऑप्शन बी फ्लोपीज़ ऑप्शन सी सी डी रोम्स एंड डिस्क ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबो तो आपको राइट ऑप्शन चूज करना है आपको दस सेकंड का समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए जो आपका टाइम था वो स्टार्ट हो चुका है दस सेकंड आपको मिली है चलिए जो आपका टाइम था वो ख़त्म हुआ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबोव क्या इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द्या क्या हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वाट डज द टर्म रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन मीन क्वेश्चन क्या क्या है हमारा वाट डज द टर्म रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन मीन ऑप्शन ए गेटिंग अगेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कलेक्शन ऑप्शन बी गेटिंग अगेन द इंफॉर्मेशन ऑप्शन सी स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन अगेन इन द कलेक्शन ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन इज डेसिमिनेटिड ऑप्शन डी क्या है हमारा इंफॉर्मेशन इज डेसीमिनेटेड आपको राइट ऑप्शन चूज करना है आपको दस सेकंड का समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए जो इसका राइट आंसर होगा राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गेटिंग अगेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द कलेक्शन गेटिंग अगेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द कलेक्शन ऑप्शन ए हमारा राइट right आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया हमारा वाट आर द मेथड्स ऑफ डेसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए सब्जेक्ट बिब्लियोग्राफीज एंड डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट ऑप्शन बी करंट अवेयरनेस सर्विस एंड एस डी आई ऑप्शन सी एब्रैक्टिंग एंड इंडेक्सिंग सर्विसिज ऑप्शन डी ट्रांसलेशन सर्विस एंड ऑल द एबाव दस सेकेंड का आपको समय मिलेगा जल्दी से अपना आंसर बताइएगा चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है दस सेकेंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए आपका जो टाइम था वो समाप्त होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांसलेशन सर्विस एंड ऑल द अबोव राइट आंसर होगा ऑप्शन डी ट्रांसलेशन सर्विस एंड ऑल द अबोव राइट आंसर है क्वेश्चन इसका जो ऑप्शन डी है हमारा राइट right आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया व्हाट इज मीट बाय द टर्म कम्युनिकेशन व्हाट इज मीन बाय द टर्म कम्युनिकेशन ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन ऑप्शन बी प्रोसेस ऑफ डेसिमिनेटिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन सी प्रोसेस ऑफ रिट्राइवल ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन डी प्रोसेस ऑफ स्कैनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन दस सेकेंड का आपको समय मिलेगा जल्दी से अपना आंसर बताइएगा चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है दस सेकंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन इसका राइट आंसर होगा प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिटिंग द इंफॉर्मेशन इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा द टर्म द टर्म कम्युनिकेशन केम फ्रॉम विच लैंग्वेज ऑप्शन ए ग्रीक ऑप्शन बी लेटिन ऑप्शन सी जर्मन ऑप्शन डी फ्रेंच आपको दस सेकंड का समय मिला है जल्दी से अपना आंसर बताइएगा आपका जो टाइम है वो स्टार्ट होता है अब दस सेकंड आपको मिली है चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी लेटिन इसका राइट आंसर होगा लेटिन क्या है हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी लेटिन हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा वाट आर द टू मैथ टू मोड्स ऑफ वाट आर द टू मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑप्शन बी प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑप्शन सी सिंपल एंड ऑपरेशनल ऑप्शन डी डेनोडेशन एंड स्टी लेशन दस सेकंड का आपको समय मिलेगा जल्दी से अपना आंसर बताइएगा चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है अब दस सेकंड आपको दी गई है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इसका राइट आंसर होगा फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्या है हमारा राइट आंसर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले गए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा व्हाट इज फॉर्मल नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑप्शन ए प्रिंटेड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑप्शन बी नन प्रिंटेड मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑप्शन सी औरल मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑप्शन डी वर्बल मोड ऑफ ट्रांसफ़र दस सेकेंड का आपको समय मिलेगा जल्दी से अपना आंसर बताइएगा चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट होता है अब दस सेकेंड आपको मिली है जल्दी से आपको अपना आंसर बताना है चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो गया इसका जो राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऑप्शन ए क्या है हमारा राइट right आंसर है प्रिंटेड मोड ऑफ़ ट्रांसफ़र प्रिंटेड मोड ऑफ ट्रांसफर इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ओर चलते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वाट इज़ कोल्ड द कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज़ डेसीमिनेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन क्वेश्चन क्या है हमारा वाट इज़ कोल्ड द कम्युनिकेशन इन विच इंफॉर्मेशन इज़ डेसीमिनेट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ऑप्शन ए प्रिंटेड कम्युनिकेशन ऑप्शन बी नॉन प्रिंटेड कम्युनिकेशन ऑप्शन सी ओरल कम्युनिकेशन ऑप्शन डी वर्बल कम्युनिकेशन दस सेकेंड का आपको समय मिलेगा जल्दी से अपना आंसर बताइएगा चलिए जो आपका टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है दस सेकेंड आपको मिली है जल्दी से अपना आंसर बताइए चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हुआ इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी ओरल कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर होगा ओरल कम्युनिकेशन क्या हमारा राइट आंसर है दस सेकंड आपको मिली थी चलिए जो आपका टाइम था वो समाप्त हो चुका है इसका जो ऑप्शन सी ओरल कम्युनिकेशन इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी क्या हमारा राइट आंसर है चलिए अगर आपको क्लासेज टेस्ट अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल परिक्षा सहपाठी को सब्सक्राइब करके रखें जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे थैंक यू Thank <sniffs> you.